खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। मैं इस समय विकास खंड क्षेत्र के माथी गांव में जल निकासी की नाली का निर्माण न होने से लोगों के ही घरों का गंदा पानी गांव में खड़ंजे मार्ग पर बहता रहता है और गांव भरा रहता है। गांव के ही लोग कीचड़ और गंदे पानी से होकर ही आते जाते हैं। जाने वाले बच्चे भी खड़ंजे मार्ग पर भरे पानी और ही कीचड़ से होकर स्कूल जाने को ही मजबूर। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे इतना पानी नाली का रहता है कि हम लोग जाते जाते फिसल के गिर जाते हैं। जब जाते हैं मैम स्कूल जाते हैं तो हम लोग जाते रहते हैं, बैग भी गंदा हो जाता है, कॉपी भी गंदी हो जाती है, गिर जाते हैं। नाली ना बनने किस तरह की दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। बरसात में कीड़े मकोड़े होते हैं, खाना जहाँ बनाते हैं वहाँ तक चले जाते हैं कीड़े मकोड़े, मच्छर ढेर सारे होते हैं। तो आप कहीं शिकायत किए थे कि नहीं? जी सर, ब्लॉक पे किए थे, प्रधान आए थे, ना क्या बोले? बोले कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कभी देखने आते हैं। यार डूढ़ी कहीं नाली बही बाई एक समस्या बाए कि नाद बात आवत तो नाई ना खड़ा हो जाए दुआरे। नाली ना बनने से किस तरह की दिक्कतें होती है? दिक्कत बहुत बार कीड़ा मकोड़ा सब वही माँ बरसात माँ। तो आप कहीं शिकायत की थी कि नहीं? आपकी समस्या क्या है? समस्या में मुहारे पर की नाली बही है, वह 25 साल हो गए जितने प्रधान आज के बनवा उतना है। नाली न बनने से किस तरह की दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत है, मन बीमार पश तक बीमार हो जाए। राम सजीवन का तिवारी का पुरवा है, उस गांव में मतलब नाली नहीं बनी है, लोगों काफी दिक्कत है, इसके बारे में बताइए। पैसा आने पर काम कराया जाएगा, तकले बन जाएगा। अभी समय कायाकल्प काम चल रहा है, उसके समाप्त होने के बाद। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।